Hello guys, welcome to our channel Academy Tutor. I hope all of you are very fine. Yes, if you are very new to our channel, first of all, subscribe our channel Academy Tutor to get such important videos of MCQ solving. हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट लेंगे और उसको एक एक करके डिस्कस करके हम सॉल्व करेंगे. तो आज हम ले रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास इलेवेंथ का ये पार्ट इनऑर्गेनिक में आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपने आप में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे भी जाते हैं. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. एक बात पहले बता देता हूँ मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जो यहाँ पे हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक गड़बड़ी है. जैसे यहाँ पे Na प्लस यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो Na आप थोड़ा समझ लेना कि ये सोडियम है, Na प्लस. इसे मैं शॉर्ट में स्मॉल लेटर में नहीं लिख पाया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ मैं. इसलिए आप इसको थोड़ा समझना और इसको इग्नोर करना, इस मिस्टेक को. ओके प्लीज़. सो लेट अस रीड द फर्स्ट MCQ. पहला MCQ आज हम लेते हैं. कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na प्लस, Mg2 प्लस, F- एंड O2 माइनस. और यहाँ करना क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई. इनके रेडियाई की इंक्रीजिंग लेंथ को हमको यहाँ पे अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं. अब क्या होता है, किसी एटम में एटॉमिक रेडियस कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है. बिकॉज न्यूक्लियस कितना फोर्स लगा पा रहा है आउटर मोस्ट सेल पे, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या होगी. सो यहाँ पे हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पूरा एक लिस्ट है. तो पहले तो ये जान लो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता क्या है. दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है. जरा देखो Na प्लस, अगर सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होती है 11, और प्लस साइन लगने का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो हो गया 10. Mg की बात करो तो Mg में लगा हुआ है 2 प्लस, यानी Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, और एक दो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है तो -2, दैट मींस 10. वहीं पे F- की बात करो तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है 9, और उसने माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पे भी 10. उसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करो तो -2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और +2 तो दिस इज 10. तो व्हाट यू सी हियर कि सभी के पास अपने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं. सो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज देखी जाए तो वो डिपेंड करेगी एक रेशियो पे. किसके रेशियो पे, इनके एटॉमिक रेशियो और एटॉमिक नंबर, और इनके नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई बाई जेड रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं. ई में क्या हो गया, ई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जेड का मतलब हो गया उसके एटॉमिक नंबर. तो सबके ई बाई जेड आप लिखो. देखो यहाँ पे एन ए प्लस का अगर ई बाई जेड लिखते हो तो इसमें ई कितना इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जेड कितने हैं इसके, 11. इज इट क्लियर. अगर Mg2 प्लस के अगर लिखोगे ई बाई जेड तो ई कितना है इसमें, 10 है, और जेड कितना है इसका, 12. अगर फ्लोरिन का ई बाई जेड लिखोगे तो फ्लोरिन में हमारे पास ई कितना था, 10 अगेन, और जेड कितना है इसका, 9. ऑक्सीजन की अगर ई बाई जेड लिखोगे तो ऑक्सीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगेन 10, और इसका एटॉमिक नंबर 8. तो ये ई बाई जेड हमने सबका एक साथ लिख लिया है. 10/11 सोडियम, मैग्नीशियम की 10/12, एंड फ्लोरिन 10/9, एंड ऑक्सीजन 10/8. अब क्या होता है कि जब ई बाई जेड रेशियो कैसे डिपेंड करता है साइज पे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर में उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो वो बाहर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अट्रैक्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा, श्रिंक करेगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा. यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा तो साइज कम, यानी जेड ज़्यादा तो साइज कमेगा. ओके, साइज विल डिक्रीज. सो दिस विल बी द आवर टोटल एक्सप्लेनेशन. ई बाई जेड का रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, यानी कि जेड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, यानी जेड अगर ज़्यादा है तो साइज कम है. तो यही चीज़ यहाँ देख रहे हैं. तो जेड सबसे ज़्यादा किस में था स्टूडेंट्स, यस, जेड सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा था मैग्नीशियम में, 12. तो ये सबसे कम रेडियाई वाला होगा. तो सबसे कम रेडियाई किस में है, Mg का सबसे कम रेडियाई. फिर उसी तरह से मैग्नीशियम के बाद कौन सा था, जेड 11, सो इसका सोडियम का था, तो ये देखो सोडियम यहाँ पे है. उसके बाद फ्लोरीन का था आपका 9, उस तरह से 9 यहाँ फ्लोरीन में देखो आपको उसके बाद रखा हुआ है. 8 था ऑक्सीजन का, उसके लिए लास्ट में रखा हुआ है, यानी सबसे कम ऑक्सीजन की जेड थी एटॉमिक नंबर, तो उसकी साइज सबसे अधिक हुई. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जाएगा सेकेंड नंबर, करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके,
आई थिंक इट इज़ क्लियर। फर्स्ट एमसीक्यू हमने कर लिया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू और जाते हैं हम। यस, टेकिंग द सेकेंड एमसीक्यू, व्हाट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉट क्या नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये सब अगर मिस्टेक हम करते हैं एग्जाम में तो वो बोलिए ब्लंडर मिस्टेक होता है हमारा, अगर नॉट ये सब वर्ड अगर हम नहीं पढ़ते हैं और फिर ब्लाइंडली टिक करते हैं आंसर, तो डैट इज एक्चुअली अ ब्लंडर फॉर अस। सो दिस काइंड ऑफ वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पूरा अंडरलाइन करके रख देना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ताकि आपको वो दिमाग में रहे। तो यहाँ पे नॉट एन एक्टिनॉइड, तो पहले तो एक्टिनॉइड क्या होता है, एक्टिनॉइड है एफ ब्लॉक एलिमेंट का वो सीरीज जिसमें कि फाइव एफ जो सेल है वो स्टार्ट हो जाता है फिलिंग, है ना, 5F। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ एक्टिनॉइड किसको कहते हैं। एक्टिनॉइड में एटॉमिक नंबर कितने से कितने का एलिमेंट आता है, फ्रॉम 90 to 103, इट इज इंक्लूडिंग एक्टिनॉइड ऑल्सो, एक्टिनियम को भी इसमें ले लेते हैं। ओके, सो 90 से 103 के बीच में जो भी एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर के, वो सबके एक्टिनॉइड भी सीरीज में आएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो आप, देखो ये 96 आएगा ही आएगा, 98 आएगा, 92 भी आएगा, बट ये टर्बियम 65 है ये नहीं आएगा। सो नहीं आएगा ही पूछ रहा था, तो आवर आंसर विल बी टर्बियम एंड द फोर्थ विल बी द आवर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एमसीक्यू, मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड। इन दिस थर्ड एमसीक्यू व्हाट वी सी, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इज। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पे सवाल है। तो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। तो ये बता देता हूँ मैं कि जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल में जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने से रोकता है अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के सेल रोकते हैं उसे। तो जो कह सकते हो कि इट इज़ एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फीलिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का जो फील है वो लेने से रोकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। या ये भी कह सकते हो द फेनोमिनन विच ऑकर व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इनर सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमको अरेंज करना है एस पी डी एफ ऑर्बिटल में कि कौन से ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, कौन से में कम होता है। सो इट इज़ अ फैक्ट डैट कि एस में ज़्यादा होगा, फिर पी, फिर डी एंड एफ, क्योंकि एस जो है वो स्फेरिकल नेचर का होता है। सो दिस इज द फैक्ट एंड द आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट एम सी क्यू, टेकिंग द फोर्थ एम सी क्यू, वी वुड हैव द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन आयरन ऑर्डर। तो पहले ये हमें आप समझना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। यू वेरी वेल नोन, आपको पता है कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो एनर्जी यूज होगा उसमें, उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। मोटा मोटा यही हम लोग समझते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है कि सोडियम यहाँ दिया हुआ, चार एलिमेंट दिया, उनके कंपेयर करने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हमारे लिए ये आता है कॉन्सेप्ट कि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को सबसे पहले कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसके पोजीशन को जानते हैं कि वो जो एलिमेंट्स दिया वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पोजीशन है उसका। ओके, सो यहाँ पे जान लो कि सोडियम वो लाई करेगा ग्रुप वन में लाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ग्रुप वन में ये एलिमेंट सोडियम। ओके, सो दिस वे आपको इस तरह से सारा एलिमेंट्स का अपना पोजीशन जान लेना है। तो ये आपको मैं नोट करके दिखा देता हूँ कि सोडियम जो है वो कहाँ पे है, ये देखो सोडियम हो गया फर्स्ट ग्रुप में, मैग्नीशियम कहाँ पे होता है, सेकेंड ग्रुप में होता है मैग्नीशियम, तो ये देखो मैग्नीशियम यहाँ पे हो गया। ओके, आपका एल्युमिनियम कहाँ होता है, ग्रुप नंबर 13 में होता है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे है। आपके उसी तरह से सिलिकॉन कहाँ होता है, ग्रुप नंबर 14, यस, तो यहाँ पे सिलिकॉन है। आप जानते हो कि अलोंग द पीरियड अब जब जाते हो तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, यस, साइज डिक्रीज करता है, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और फिर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना वो टफ हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा यूज होगा। तो हम लोग ये कहें, अगर इस तरह से अगर देखें डायरेक्टली, तो हमारा आंसर ये जाएगा कि इस तरफ से अलॉन्ग द पीरियड जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम ये आंसर मारेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर सोडियम का। यानी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को अगर कंपेयर करो तो एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, बट यहीं पर आप मार खा जा रहे हो, यहीं पर आपकी मिस्टेक सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपेयर करते हो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, तो रियलिटी ये है कि मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। कैसे, वो देखते हैं अभी हम। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको समझना होगा कि मैग्नीशियम
एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2, ओके 2s2, 2p6 एंड 3s2। सो इन दिस वे व्हाट यू सी, आखिर के सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और ये दोनों फुल फिल्ड है, एस ऑर्बिटल है, फुल फिल्ड है। और एस ऑर्बिटल जब फुल फिल्ड होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर एल्युमिनियम की अगर बात करो तो एल्युमिनियम में आपका 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, और जब आप 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 रखो और 2p1 भी रखोगे, तो 1 जो है 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर एज कम्पेयर टू यहाँ पे फुलफिल्ड। अगर मैग्नीशियम के केस में 3s है तो उससे हमारा s से ऑर्बिटल जो फुलफिल्ड है उससे निकालना इज टफ। सो यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ जिससे कि हम लोग इसका आंसर चेंज करेंगे अपना, कि मैग्नीशियम जो होगा वो एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा इज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा आंसर इसमें जाएगा फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मैग्नीशियम विल बी मोर देन एल्युमिनियम एंड दिस ऑल द सीरीज विल बी सेम। वैसे तो सीरीज अपना सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ होगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको जानना है बेसिकली तो सबसे पहले पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल देखो, उसके बाद और एक बार चेक करने के लिए, आप क्रॉस चेक करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख करके हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द फिफ्थ एमसीक्यू, ये बहुत ईजी है अगर समझते हो आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है गैडोलिनियम का आपको, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 64। सो आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजीली आप लिख सकते हो, है ना। बस आपको जानना होता है कि उसके आसपास का नोबल गैस कौन सा है। तो नोबल गैस आपको पता होता है, नोबल गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनन, ज़ेनन से पहले आपका क्रिप्टन हो गया, हीनियर एंड ज़ेनन एंड रेडॉन। सो आपको ये टोटल मैंने आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ तो नहीं लिखा है, बट आप एटॉमिक नंबर के साथ याद कर लेना, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 2, फिर नियॉन का 10, फिर आर्गन का 18, फिर क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनन का 54, यस, और उसके बाद 86। सो इन दिस वे व्हाट वी हैव सी दैट एटॉमिक नंबर ऑफ वेरियस नोबल गैस, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर हमने यहाँ देख लिए है, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन की 18 है, क्रिप्टन की 36 है, ज़ेनन की 54 है एंड रेडॉन की 86 है। अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी यहाँ 64 दिया हुआ, तो ये किसके क्लोजर हुआ, ज़ेनन के 54 के क्लोजर हुआ। तो आप सबसे पहले ज़ेनन को लिख लो, और ज़ेनन को लिख लिए तो 54 आपका वहीं पर कम्प्लीट हो गया, ज़ेनन को आपने लिख लिया तो देखो सब में ज़ेनन लिखा हुआ है आपका 54 यहां तक तो क्लियर हो गया। 54 के बाहर कितना बचा आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे 64 में से, तो अब उस 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है। तो ये देखो अरेंज करके 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऑप्शंस बताए हुए आपको, तो कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको ये देखना है, समझना है। तो पहले ये समझो कि जब आप एटॉमिक नंबर ये आप जब नोबल गैस लिख रहे थे तो आप ज़ेनन को कितने नंबर में पाए थे, ज़ेनन को पाए थे 1, 2, 3, 4 एंड 5th। तो 5th के बाद अब शुरू करना है कि 5th के बाद आपका क्या कौन सा सेल आएगा, सबसे पहले 6s, फिर 6p, फिर आपका 5d एंड 4f। क्या कैसे लिखते हैं इसे, तो जिस नंबर का सेल होना चाहिए उसको तो s और p में लिखते हैं, और 1 माइनस करके हम लोग d का लिखते हैं और 2 माइनस करके f का लिखते हैं, यानी ns np n-1d एंड n-2f। अब इसको हम लोग सिक्वेंसली किस में, सबसे जो लोअर एनर्जी का होगा उसको सबसे पहले फिल करेंगे। तो सबसे लोअर एनर्जी का कौन सा है, 6s इज द लोएस्ट, तो इसको सबसे पहले फिल करो। तो s में तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने भर दिया। उसके बाद लोअर एनर्जी का कौन है, 4f है, तो इसमें आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो क्योंकि इसमें 14 की कैपेसिटी होती है। तो इफ़ यू टेक 8 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ भर दिया। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 2 मैंने डाल दिया, यहाँ 8 डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करते हो, देख रहे हो कि जो f होता है उसमें जो है वो 7 सबसेल्स होते हैं। जब 7 सबसेल्स होते हैं तो हाफ फील्ड का ऑप्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है जब हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स इससे दे देते तो हाफ फील्ड हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, 5d को दे देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें कि 6p पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो 6p पे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी नहीं है, यस 5d में 1 आना चाहिए, तो 5d में 1 है, इसमें ऑप्शन नंबर 3rd। सो आई थिंक द 3rd विल बी द करेक्ट आंसर, यस द 3rd इज द करेक्ट आंसर। तो ओके, यहाँ तक हमने ये समझा कि आपका ये कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द 6th एमसीक्यू, छठे में आज हम क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन यहाँ नॉट करेक्ट आ गया, यानी कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज, तो चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सही गलत का अंदाजा लगा के उसे टिक मारते हैं।
द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यस ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, तो ये सही ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर देन इन नंबर इन मेटेलिक एलिमेंट्स, यस ये भी सही है, नॉन मेटेलिक तो बहुत कम होते हैं एंड मेटेलिक एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल, तो इसको जरा समझिए, तो 3d बोला जा रहा है कि पहले फील्ड होता है आफ्टर, 3d इज फील्ड आफ्टर 3p ऑर्बिटल, यानी कि 3d पहले फील्ड हो गया आफ्टर, सॉरी व्हाट इज दिस, 3d ऑर्बिटल आर फील्ड आफ्टर 3p, यानी सबसे पहले 3p फील्ड हो रहा है, उसके बाद बोल रहा है 3d एंड बिफोर 4s, आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s, 4s से पहले फील्ड होता है, यानी 4s यहाँ पे आएगा, तो ये ऑर्डर बताना चाह रहा है ये, ओके। इसको पहले चेक करो, n प्लस एल रूल लगाओ, n प्लस एल रूल, एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऐड कर दो आप उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और n प्लस एल रूल कहता है ये है कि जिसका सबसे लोअर n प्लस एल होगा वही सबसे पहले फील्ड होगा, तो इसके केस में आप n कितना है 3 है, और इसका l कितना होता है p का, यस 1 होता है, तो इसमें 4 आ रहा है आपका, इसमें 3 है, और d का l कितना होता है, d का l होता है 2, 4 है, 4 इसके बाद s का l होता है 0, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे इसके 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो 4 वाला फिल होना चाहिए ना, तो 4 वाला में तो ये दोनों है, 5 तो इसके सबसे आखिरी पोजीशन लेना चाहिए था इसको, तो ये तो अल्टीमेटली गलत है, लेकिन यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जब क्लैश कर जाए नंबर, 4 इसके भी आ रहे हैं, 4 इसके भी आ रहे हैं, तो किसको फिल करेंगे, तो जिसके n यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका लो होगा उसको पहले फिल करते हैं, यानी 3 वाले को पहले फिल करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग n प्लस l रूल को भी डिस्कस कर लिए हैं, n प्लस l रूल भी हमारा क्लियर हो गया, तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट गलत साबित हो रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए, तो चलो पहले फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, कि द फर्स्ट एनालिसिस एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलॉन्ग द पीरियड, इसको हमने डिस्कस किया है कि अलॉन्ग द पीरियड जाने से एटॉमिक नंबर जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता है उसी तरह से पीरियड में सेल तो बढ़ते नहीं है ना, सेल तो वही फिक्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से एनालिसिस एंथैल्पी हमारा इंक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड, तो ये तो बिल्कुल सही है, जनरली बात बता रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सही बोल सकते हैं, तो हमारे लिए ऑप्शन जाएगा क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए थर्ड ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर थर्ड जाएगा, 6 का 3। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू और आगे बढ़ते हैं। ओके डिस्कसिंग द सेवंथ एमसीक्यू, सेवंथ एमसीक्यू में आज ले रहे हैं कि अमॉन्ग हैलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन, याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जितना एनर्जी वो रिलीज करे इलेक्ट्रॉन देने पे, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन था कि उससे इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है आपको, तो वो एनर्जी आपको रिलीज करता है, उस ऑर्डर में आपको यहाँ लिखना है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी क्रिएट होता है इसीलिए, तो आप जनरली ये पाओगे कि आप इसका ज़्यादातर आंसर ये टिक मारा जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि फ्लोरीन के पास ऐसे है कि क्लोरीन के पास, फिर उसके बाद फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन, बट एक्सेप्शन यहीं पे क्रिएट है कि फ्लोरीन से ज़्यादा होता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि वो अपने में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे, एंड दिस वे द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर ऑफ फ्लोरीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, तो क्लोरीन के पास ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरीन से, ये ऑप्शन में भी है, उसके बाद अल्टीमेटली जो सीरीज चलता है वही साइज चलेगा, तो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए इसका आंसर। ओके सो दिस इज द थर्ड आंसर, थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एमसीक्यू, आई होप इट इज क्लियर, ये फैक्ट है याद रख लेना कि क्लोरीन जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट। ओके मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू और आगे बढ़ते हैं। यस टेकिंग द 8th एमसीक्यू, व्हाट इज दिस, लेट अस रीड, द पीरियड नंबर ऑफ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियडिक टेबल, पीरियड नंबर जो किसी भी एलिमेंट का होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से, तो व्हाट इज दैट इक्वल टू, ओके यही क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हमारे लिए प्लस माइनस में भी होता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो यहाँ पे तो प्लस माइनस पीरियड टेबल होता नहीं है, सो ये गलत है। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, बिल्कुल ये भी गलत है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बहुत ज़्यादा तक होता है, पीरियड तो हमारे पास 7 ही है, तो ये भी गलत है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं पहले, नेक्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमम एज्यूमुथल क्वांटम नंबर, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो तो 0 से भी शुरू होता है ना, तो 0 से तो आपका मैक्सिमम बात बोल रहा है, चलो वो भी ले लेते हैं आपका क्या अनुसार,
बट इसको एक बार डिस्कस करते हैं, यानी हमारे थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन में क्लैश कर रहा है। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो मान लो किसी एलिमेंट को ले लेते हैं, पहले हम लोग एलिमेंट ले लिया, मान लो हम लोग हाइड्रोजन सबसे बेसिक सा एलिमेंट है, फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर एक इलेक्ट्रॉन है यानी 1s1। इसके जब बात करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कितना है, 1 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करो तो इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी का भी लिखने के लिए n-1 कर दिया जाता है, यानी इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर 1-1 दैट इज 0 हो गए। तो इसके क्या पीरियड 0 बोलोगे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो गया, गलत हो गया। इसका पीरियड तो होता है 1, यानी हमारे लिए जो फोर्थ ऑप्शन था वो भी डिस्कार्ड हो गया एंड द आंसर विल बी 3rd 1। आप इसको याद भी रखो फैक्ट के अनुसार, ऐसे तो मैंने चेक कर लिया है ना एक एक करके, बट आप फैक्ट के हिसाब से अगर याद रखते हो तो डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक मार सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर जो होता है वो किसके अब इक्वल होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। एंड क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम होता है एंगुलर क्वांटम ऑल्सो, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। ये टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, तो आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, हमें ऐसे करते हुए 30 MCQ सॉल्व करना है आज स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आज हम लोग जल्दी जल्दी MCQ का पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत लंबा फिर वीडियो बन जाएगा नहीं तो। तो 8th MCQ तक पहुंचा है हमने, फिर 9th लेते हैं। 9th में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9th MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टेकिंग द 9th MCQ, ये बहुत ईजी है। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। तो हमने 5f ऑर्बिटल के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 5f ऑर्बिटल वो होता है जिसमें एक्टिनॉइड होते हैं, 4f ऑर्बिटल वो होता है जिसमें लेंथेनॉइड होते हैं। तो वेरी इजिली वी कैन टिक द 3rd ऑप्शन, यहाँ पे तो कोई मिस्टेक का सवाल नहीं उठता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 10th MCQ और आगे बढ़ते हैं। 10th MCQ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द स्पीसीज। जो साइज दिया हुआ है स्पीसीज के उसको आपको अरेंज करना है, यानी कि हमारे पास आयोडीन है, ये एक है सिंपल न्यूट्रल आयोडीन, एक है आयोडीन में माइनस चार्ज यानी अनायन है, और एक है आयोडीन में प्लस चार्ज यानी कटायन है। तो इनके साइज को हमें कंपेयर करने हैं। तो पहले ये जान लो कि किसी भी न्यूट्रल एटम में आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो या उससे इलेक्ट्रॉन ले जाते हो तो क्या असर होता है उस पर। आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी प्रोटॉन की तो अमाउंट सेम है ना, प्रोटॉन की अमाउंट तो सेम है, यानी आप इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो तो जितना प्रोटॉन था अब उसके ऊपर और भी लोड बढ़ गया है कि उतने प्रोटॉन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, यानी जो पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो तो डिक्रीज करेगा, यानी आप इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो तो उस तरह से आपका ये कह सकते हो कि उस पर जो फोर्स था जितना ज़्यादा लग रहा था वो तो डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स डिक्रीज कर जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो सेल की साइज थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, यानी एनायन के केस में साइज बढ़ जाती है। यहाँ तक तो पूरा क्लियर। अब अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते हो किसी से तो इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद प्रोटॉन तो उतना ही है, अब उस कम इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वो ज़्यादा लगाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा सेल को श्रिंक करेगा, और सेल श्रिंक करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, यानी कैटायन के केस में साइज डिक्रीज करता है। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होना चाहिए कि एनायन का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल एटम का साइज होना चाहिए, और फिर हमारा सबसे लिस्ट साइज होना चाहिए कैटायन का। एंड दिस इज सोन इन, आई थिंक इट इज सोन इन विच ऑप्शन, येस द फोर्थ ऑप्शन में ये बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि एनायन सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको इसको याद भी रखना चाहिए कि हमेशा साइज के ऑर्डर में अनायन सबसे पहले आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, और फिर कैटायन आएगा, यानी ANC। सो दिस इज द ऑर्डर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द ओके फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रखते हैं हम अपने वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को। तो आज हमने 10 MCQs डिस्कस किया है इस वीडियो में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल MCQs एंड डिस्कशन फॉर यू, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा इस बीच। आगे के और भी 10 MCQ हमें, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में 10 MCQ, यानी टोटल में 30 MCQ पर चैप्टर से मैं बनाऊंगा, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर अप हो जाएंगे। तो आप अगले वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और लाइक करके शेयर कर दिएगा हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।